आज की इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म सन 1886 में हाथरस में राज परिवार में हुआ था। 1914 में राजा महेंद्र प्रताप ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने भारत से बाहर काबुल में बागे बाबर में पहले अस्थाई भारत सरकार के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और भोपाल के अपने सहयोगी क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह को इस अस्थाई सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। राजा महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और उन्होंने स्थानीय कारीगरों के साथ छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया। दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से गहराई से प्रभावित राजा महेंद्र प्रताप ने विदेशी कपड़ों को जलाने का आंदोलन चलाया। स्वाधीनता संग्राम में भारत के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में उन्होंने बाहर के कई देशों की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन का शुभारंभ किया। 1932 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 32 वर्ष के निर्वासन के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1946 में अंततः भारत लौटे। सन 1957 में वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मथुरा से लोकसभा के लिए चुने गए। 29 अप्रैल 1979 को अपनी अंतिम सांस तक वो लगातार समाज सुधार के कार्यों के लिए समर्पित रहे। महान राष्ट्रवादी नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को शत शत नमन। आज हम ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु चौधरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे डिप्टी मैजिस्ट्रेट के रूप में ब्रिटिश शासन से जुड़े। 4 वर्ष बाद ही उन्होंने डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया और अपना जीवन देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गांधीवादी कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। वो ओडिशा कांग्रेस समिति के सदस्य बन गए और बाद में उत्कल सम्मेलनी के स्थायी सदस्य भी बनाए गए। स्वराज के लिए गांधीवादी संघर्ष के इस चरण में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जनवरी 1922 में जगत सिंहपुर में अलकाश्रम की स्थापना था। इस आश्रम में उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण और शिक्षा की गांधीवादी प्रणाली को प्रायोगिक तौर पर अपनाया। 1930 में गोपबंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह के विख्यात नेता बन गए। ब्रिटिश प्रशासन ने 1930 में उन्हें गिरफ्तार किया और मार्च 1931 तक कारागार में रखा। 1934 में महात्मा गांधी ने ओडिशा में पदयात्रा की। गांधी जी ने गोपबंधु को बारी में सामाजिक कार्य करने के लिए चुना और गांधी जी की ही सलाह पर उन्होंने 13 अगस्त 1934 को अपने परिवार और कुछ सहयोगियों के साथ बारी में एक ठिकाना बना लिया और लोगों के लिए सेवा कार्य शुरू कर दिया। आजादी के बाद गोपबंधु 1950 के दशक में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन से जुड़ गए। ग्रामीण ओडिशा में महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने के सार्थक सेवा काल के बाद 29 अप्रैल 1958 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी गोपबंधु चौधरी को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद इंद्रभूषण राय का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1890 में खुलना जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। 1908 में इंद्रभूषण हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, जब उन्होंने चंद्रनगर के मेयर पर बम फेंका था। बाद में वे माणिक टोला गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। अलीपुर बम कांड में शामिल होने के लिए उन्हें 1909 में 10 वर्ष के लिए सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सेल्यूलर जेल में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें इतनी अमानवीय यातनाएं दी कि उन्होंने 29 अप्रैल 1912 को जेल में ही आत्महत्या कर ली। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को शत शत नमन।